फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है। अपन शेर आदमी है, अपन शेर आदमी है, ठीक है करो। गली में आज चांद निकला, सेपरेट कर देंगे यार, थोड़े में सिर्फ ये डालेंगे और थोड़े में सिर्फ ये डालेंगे बस। ये जो है ये हमने मंगाया था फिर से अमेजोन से, जो कि हमारे स्पॉन्सर है इस वीडियो के, ठीक है। हे गाइस, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे कैसे वीडियोस बनाने चाहिए, कैसे आप लोगों को क्या क्या देखने का मन है। तो सबसे ज्यादा कमेंट्स जो आए थे वो आए थे इस चीज पे कि आप एक कुकिंग ब्लॉग्स बना लो या फिर एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर ब्लॉग्स बनाओ। एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के ब्लॉग्स आएंगे और थोड़े दिन बाद, मैं उस पर थोड़े अच्छे से रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को इजीएस्ट वे में आपको समझा सकूं। फिलहाल कुकिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नई बहू अगर घर आती है तो सबसे पहले मीठा बनाती है, राइट। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने ब्लॉग पे अगर पहली बार कुछ कुक कर रहा हूँ तो मीठा ही होना चाहिए। तो मीठे में मैंने सोचा सबसे पहले हम कपकेक्स बनाएंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार शेफ हूं, और मेरे घर में ऐसा कहा जाता है कि मेरे घर में सबसे अच्छा खाना मैं ही बनाता हूं। ए हंस क्यों रही है, चुपचाप से रिकॉर्डिंग कर। तो कहा था मैं, हाँ सबसे अच्छा खाना मैं बनाता हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं। और मम्मी ने हम लोगों को बोला है कि किचन गंदा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग जो भी मिक्स विक्स करने का जो भी आइटम हमें करना है वो हम यहाँ पे अपने रूम में ही करेंगे। बस चुपचाप जाके किचन में माइक्रोवेव में डाल देंगे कपकेक्स एंड उसके बाद देखते हैं कैसा बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो जो चीजें हमें चाहिए थी कपकेक्स बनाने के लिए उन सब चीजों को मैं यहाँ इकट्ठा कर लिया हूँ। तो ये हमारा है बेकिंग पाउडर, ये है बेकिंग सोडा, ये है हमारा कौन सा शुगर है, ये आइसिंग शुगर है। और अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं भी हो तो आप नॉर्मल शुगर ले सकते हो, उसको आप ग्राइंड कर सकते हो एंड ग्राइंड करने के बाद वो छलनी से आप उसको रिफाइन करके, मतलब जो करते हैं वो करके आप ऐसा ऐसा बना सकते हो। ऐसा बना लोगे तो वो ऐसा दिखेगा, फिर इसका यूज करेंगे हम, आगे बताएंगे आपको कैसे करें। हाँ एक और चीज, बेकिंग पाउडर जो है उन्होंने लिया है 2 टेबलस्पून एंड बेकिंग सोडा जो है हम लोगों ने लिया है 1 टेबलस्पून और हमारा टेबलस्पून ये है। सो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करके कर लेना, हर चीज तो मैं ही नहीं बताऊंगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारे पास रिफाइंड ऑयल जो कि है 1/2 कप और ये है हमारा कप और ये है 2 टेबलस्पून वैनिला एसेंस एंड ये है 1 कप कर्ड और हमें इसके लिए मैदा चाहिए। मैदा भी हम लोग ले आए हैं, उसको अभी हम लोग कट वट करके कैसे रिफाइन करके उसका एकदम मतलब बेहतरीन प्रोसेस्ड रिफाइंड मैदा जो हम डालेंगे वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फटाफट, और इस पूरे प्रोसेस में मेरी प्यारी सी बहन मेरा साथ देगी, मतलब फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है मेरे साथ आज कपकेक बनाने में। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा जिसमें कि हम दही, रिफाइंड ऑयल और वैनिला एसेंस इन तीनों को इसके अंदर हम डालेंगे एंड थोड़ा मिक्स करेंगे, उसके बाद हम मैदा वैदा डालेंगे तो वो मैं आपको फिर बताता हूँ। पहले हम लोग दही वही डाल लेते हैं, ऑलराइट। अब हम लोग ये जो है तो हैंड मिक्सर से अब हम लोग उसको थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से एकदम आपस में घुल मिल जाए। ऑलराइट, तो 5 मिनट तक हम लोगों को ये मिक्स करना था, 5 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर लीजिएगा ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए इसमें। अब इसके बाद हम लोग को मैदा को रिफाइन करके उसके बाद इसमें डालेंगे एंड फिर मिक्स करेंगे। सो लेट्स गो टू आवर स्टेप नंबर 2। तो हम लोग मैदा लेकर आ चुके हैं, अब इसे हम लोग अब डालेंगे वो जो हमने मिक्स किया था उसके अंदर रिफाइन करके अच्छे से। पहले इसको खोल लेते हैं। बोल रही थी मैं कि सीजर से करो, हो गया ना अभी, अब तो मम्मी पूरा होने वाला है। दरवाजा बंद कर दे, मम्मी को बताना। नहीं अब तो मैं जरूर बोलूँ, तुम्हें जब बोला मैंने सीजर से करने हैं तो मेरे सुनिए नहीं। सॉरी सॉरी, मम्मी को
जाओ फेस साफ करो पहले और ये सब साफ करो पहले। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। गली में आज चांद निकला। मैदा हम लोग इससे ले रहे हैं, कितना मैदा लेना है अपने को, इधर लिखा था 2.5 कप। ओके और तो अब हम लोगों को डालना है पाउडर्ड शुगर इसमें। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि थोड़ा सा स्वाद अनुसार तो नहीं कह सकते, मतलब हल्का सा सॉल्ट डालने भी कहा गया था, तो हम लोग छोटा से स्पून में थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहे हैं। अब बस इसको मिक्स करना है, राइट। एक बार इसे मिक्स कर लूँगी या डायरेक्ट। और राइट, तो ये हमने थोड़ा सा पहले ऐसे मिक्स कर लिया है, अब हम लोग हैंड मिक्सर से इसको प्रॉपरली मिक्स करने जा रहे हैं। एंड एक चीज़ मेरी दीदी ने कहा कि ध्यान रखने के लिए कि हमेशा एक डायरेक्शन में ही इसको मूव करना है, मतलब मिक्स करते वक्त एक डायरेक्शन में ही मूव करना है। एंड अगर ये ज़्यादा टफ हो जा रहा है, मतलब मिक्स करते वक्त ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा वाटर हम लोग डाल सकते हैं, 1/2 कप के अराउंड, राइट। ठीक, चलो। तो मिक्स हम लोगों ने कर लिया इसको अच्छे से उस मिक्सर से, उसके बाद एक बार अच्छे से चम्मच से भी हम लोग चला ले रहे हैं। एंड अभी हमारे पास क्या सीन है कि हमारे पास ये है कुछ चॉको चिप्स हैं और ये रेनबो, इसको क्या बोलते हैं, रेनबो समथिंग, तो ये हमारे पास है। और एक हमारे पास ये वाइट चिप्स भी है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम चॉको चिप्स डालने वाले हैं और ये भी डालने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो, लेकिन हमारे केस में ऐसा है कि हमारी मम्मी जो है वो, उनके चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम लोग उनके लिए सिर्फ वाइट चॉकलेट वाले, ये वाइट चॉको चिप्स जो है वो यूज़ करेंगे। और हम लोग एक जगह जो बनाएंगे उसमें हम दोनों सब, मतलब ठीक है, मतलब सेपरेट कर देंगे यार, थोड़े में सिर्फ ये डालेंगे और थोड़े में सिर्फ ये डालेंगे बस। तो हम लोग इसलिए इसको डिवाइड करेंगे, अभी आधा इसमें रहेगा, आधा इसमें रहेगा, आधे में चॉको चिप्स, आधे में वाइट चॉको चिप्स। गॉट इट। और एक सूचना, अगर आप लोगों को ये चॉको चिप्स वगैरह चाहिए तो मेरा स्टोर नहीं है, अमेजोन से ऑर्डर किया था, उधर से करना। ऑलराइट, तो अब हम लोगों ने ये भी अमेजोन से मंगा लिया था, जिसके अंदर हम लोग कपकेक्स को डालकर बनाएंगे, राइट। ये भी अमेजोन से ही हमने मंगाया था सिलिकॉन कप्स, इसको इसके ऊपर ऐसे डालना है, उसके बाद इसके अंदर ये जो हमारा बैटर है उसको डालना है, फिर ये अपना बन जाएगा ऐसा कपकेक। ऑलराइट, तो हम लोगों ने ये सब फिलअप कर दिया एंड इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसे चॉको चिप्स डाल दिया है, ऐसे सुंदरता ये बढ़ जाएगी। और अब हम लोग इसको डालने वाले हैं माइक्रोवेव में, एंड माइक्रोवेव को हम लोगों ने कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे प्री हीट कर दिया है, तो 20-25 मिनट तक इसको रखेंगे। एंड तब तक हम लोग वो बनाने वाले हैं, क्या बनाने हैं, व्हिपिंग क्रीम इसके ऊपर बनाने वाले हैं हम लोग। इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी करने का हमारा प्लानिंग है, राइट। तो उसके लिए हम लोग बनाने, करेक्ट, तो वो भी हम लोग आपको बताएंगे। यस, लेट्स गो। तो हम लोग फ्रॉस्टिंग बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये व्हिपिंग क्रीम ऑर्डर किया था अमेजोन से एज यूजुअल। तो इसको हमें लेना है 100 ग्राम और इसके साथ 100 ml मिल्क लेना है, और उसको फिर हमें मिक्स करना है। अगर आपको मतलब फ्रॉस्टिंग का कलर थोड़ा सा वाइट नहीं चाहिए, आपको कुछ अलग कलर चाहिए, सतरंगी, तो उसके लिए आप फूड कलर भी थोड़ा सा डाल सकते हो उसमें। ये भी हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च, मेरी बहन ने ये सारे रिसर्च किए वैसे कि कौन सा सही है, कौन सा बढ़िया है। एंड ये जो है, ये जो व्हिपिंग क्रीम है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी मेरी एक फ्रेंड है अश्मिता, जिसका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो बहुत ही बेहतरीन केक्स बनाती है। एंड उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस कपकेक के पूरे प्रोसेस में। सो अगर आप लोग भुवनेश्वर में हैं और आप लोगों को केक चाहिए तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही मतलब आप उसके पेज पे जाना, बस एक बार देखना केक्स, आपको देख के खाने का मन नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, बदल के मेरा नाम द ग्रेट आदित्य श्रीवास्तव रख देना, ठीक है। एंड और एक जन को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, साई सुधा ने, उसने भी मुझे ये एक्चुअली ये कपकेक का आइडिया साई सुधा से ही आया था। उसका भी एक इंस्टाग्राम पेज है कपकेक नेशन, वो भी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वो ऐसे कपकेक्स, डोनट्स ये सब बनाती रहती है, तो मुझे वो देख के काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लगा था, तो मैंने सोचा मैं भी बनाऊंगा। एंड उसने ही मुझे ये वीडियो का लिंक वगैरह शेयर किया था, एंड उसने मुझे हेल्प किया था कि कैसे क्या क्या करना है। सो थैंक यू साई सुधा एंड थैंक यू अस्मिता। डिस्क्रिप्शन दोनों का लिंक में है, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, तो हम लोगों को ये लेना है 100 ग्राम्स।
सो वापस से यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गिरा दिया है एंड ये 105 ग्राम्स हुआ है, तो अब हम लोग 105 ग्राम्स ही डाल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं हाँ काम चल जाए, क्योंकि अब इसमें से ना मतलब क्या है कि इसमें से निकालना मुश्किल है, तो इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। ओके, तो हम लोगों ने ये लिया था 105 ग्राम्स, तो ये हमने दूध यहाँ इसमें 100 ml ले लिया है। अब हमने इसको दोनों को मिक्स करेंगे और इसमें हम लोग वापस से ये थोड़ा सा फूड कलरिंग भी डालने वाले हैं। और एक चीज़, वो फूड कलरिंग जो है वो अलग होता है और ये केक के लिए एक फूड कलरिंग अलग आता है, तो वो थोड़ा ध्यान में रख के खरीदने का। हमारा स्टेप 3 जिसमें हम लोग व्हिपिंग क्रीम बनाने वाले हैं। ये क्रीम तो अपना बन गया है, और एक चीज़ कंसिस्टेंसी इसका चेक करने के लिए आप क्या करो, एक बार इसको अंदर डिप करो और ऐसे निकालो, तो निकालने के बाद जो ये ऐसे पहाड़ जैसा बन गया, अगर वो मतलब स्टैटिक रह रहा है तो वो ठीक है, अगर फ्लूइड है ज़्यादा तो वो ठीक नहीं है। इसको एक बार टेस्ट करके देखूँ क्या? हाँ देखो। ये भाई सच में ये मेरे को और मन हो रहा है, ऐसे नहीं खाना है। अरे मस्त लग रहा है यार, मार्केट से अच्छा है भाई। ये जो केक के ऊपर जो क्रीम डालते जुट्टो वैसा लग रहा है, मतलब माइंड ब्लोइंग है, ये मजा आ जाएगा आज तो। ओहो हो हो हो, मेरे को मन कर रहा है ये अभी खा लूं। अपना 1 round कपकेक रेडी है, ये खा लूं। नहीं नहीं नहीं, वो कपकेक ऊपर। ठीक है चलो चलो, कपकेक रेडी हो गया अपना। हाँ लेट्स गो। ऑलराइट, तो फर्स्ट बैच हमारा ये बन चुका है और काफ़ी बढ़िया हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ है इसमें हमारे साथ कि ये नीचे से हल्का हल्का सा चिपक गया था हमारा जो सिलिकॉन कप्स था उसके अंदर। तो वापस से मैंने रेस्क्यू के लिए साईसुदा को फ़ोन किया है, उसने मुझे बताया कि अगर हम लोग बटर पेपर डाल देते हैं या फिर अंदर नीचे सिलिकॉन कप्स के नीचे बटर लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी जो हमने सेकंड बैच डाला है उसके अंदर हम लोग बटर पेपर सर्कल उसी शेप का कट करके डाल दिए, सो डैट वो चिपके ना। बट ऐसे देखने में काफ़ी सही है, फ्लफी भी है। एंड और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो है ये हमने मंगाया था फिर से अमेज़ॉन से, जो कि हमारे स्पॉन्सर इस वीडियो के नहीं है, बट यहाँ पे जितना आइटम हमने खरीदा सब अमेज़ॉन से ही खरीदा हुआ है। एनीवेज, हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने जो फ्रॉस्टिंग बनाया है वो हम लोग डालेंगे एंड उसके बाद फिर इसको डिज़ाइन इससे आप जलेबी बना सकते हो। चिंदी आदमी, तो इसे बोलते हैं पाइपिंग बैग, अगर आप चाहिए तो आप भी खरीद सकते हो इसको अमेज़ॉन से। तो ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपना फ्रॉस्टिंग। ये रहा सुंदर सा फ्रॉस्टिंग अपना, एकदम कड़क माल है। ठीक है, तो इसको डालते हैं एंड इसके ऊपर फिर अपन डिजाइन बनाते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट, अब है मोमेंट ऑफ ट्रुथ, इसे टेस्ट करेंगे। तो मैं अपना ए वाला खाऊंगा जिसमें हमने ए लिखा है। माइंड ब्लोइंग, फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल। सीरियसली मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग ये पहली बार बनाए और इतना बढ़िया बना है। सेम है, ये तो पहली बार हमेशा टट्टी होता है। हां एग्जैक्टली। ओहो मस्त यार, चलो मम्मी डैडी को खिलाते हैं। हां चलो लेट्स गो। तो यही था आज का वीडियो, काफी बढ़िया बन गया ये। ऑलराइट, तो यही था आज का वीडियो और ये जितना हमने सोचा था उससे काफी ज्यादा बढ़िया बन गया है। मजा आ गया मेरे को, सीरियसली मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा बना सकता हूँ। वैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं बेस्ट शेफ हूँ, तो मैंने प्रूव कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़, उससे पहले अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हो ये कपकेक अपने घर पे, तो काफ़ी आसान है। मतलब हमें बनाने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि हम लोग बीच में शूट वगैरह भी कर रहे थे, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन अगर आप लोग करते हो तो मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, मतलब उसका बैटर सब प्रिपेयर करने में, वो आधा घंटे में ही हो जाएगा इनफैक्ट। और उसके बाद आप बस 20 मिनट के लिए डालोगे ओवन में, तो वही 1.5 hours के अराउंड आपका सब काम हो जाएगा। तो ईजी है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। और जितना क्वांटिटी मैं आपको बताया हूँ, अगर आप उतने क्वांटिटी भी बनाते हो तो काफ़ी बढ़िया फ्लफी सा एकदम
मस्त वाला बन सकता है। और एक चीज, ये फ्रॉस्टिंग ऐसे कपकेक्स के ऊपर जनरली मैं देखता नहीं हूँ ऐसा करते हैं, लेकिन हम लोगों को, मेरे को और मेरी बहन को बहुत मन था ये फ्रॉस्टिंग बनाने का, डालने का, तो हमने किया है और ये सीरियसली काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग भी ये कर लेना जरूर से, मज़ा आ जाएगा। फिर ठीक है, ऑलराइट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस। So back up, back up.